समस्तीपुर पुलिस द्वारा लोगों के चेहरे की मुस्कान को वापस लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत लोगों के चोरी हुए खोए हुए मोबाइलों को सर्विलांस की टीम की मदद से बरामद किया है। पुलिस द्वारा 128 मोबाइलों को बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइलों की कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। अपने मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर खुशी भी देखी गई। समस्तीपुर पुलिस की 7वीं बार इस बड़ी सफलता को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी साझा की। और टोटल अभी तक 470 मोबाइल जो रिकवर किए गए हैं वो 1,30,00,000 की कीमत के हैं। 5 टीम इसमें कार्य कर रही है, हेडक्वार्टर DSP इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मोबाइल रिकवरी टीम 1 है जो कि शहर के क्षेत्र में है, इन्होंने 30 मोबाइल और 1 लैपटॉप रिकवर किया है। मोबाइल रिकवरी टीम 2 है जिसने 23 मोबाइल रिकवर किए हैं। मोबाइल रिकवरी टीम 3 जो है वो दलसिंह सराय क्षेत्र में कार्य करती है और वहाँ से 24 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। मोबाइल रिकवरी टीम 4 जो है उसने 35 मोबाइल जो कि रोसड़ा अनुमंडल में कार्य करती है उसने रिकवर किए हैं और पटोरी के क्षेत्र से 24 मोबाइल रिकवर किए हैं टीम 5 के द्वारा। इस प्रकार कुल 136 मोबाइल और ये अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक साथ 136 मोबाइल इस माह में रिकवर किए गए हैं और ये सभी धारकों को आज यहाँ बुलाया गया है, सबका सत्यापन कर लिया गया है। ये मोबाइल उन्हीं के हैं और उनको ये दिया जा रहा है। ये मोबाइल जो हैं, कई इसमें खोए हुए मोबाइल भी हैं, कई गुम मोबाइल हैं और चोरी के और लूट के मोबाइल भी हैं। और इन जो मोबाइल रिकवर किए गए हैं जिसमें लोगों को जेल भी भेजा गया है और फिर कोर्ट से रिलीज ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया गया है कुछ मोबाइल का, उनको दिया जा रहा है। बाकी मोबाइल जो खोए हुए और गुम हुए हैं उनको भी आज पब्लिक को वापस किया जा रहा है। इस बार जो सर्वश्रेष्ठ वर्क किया है, 14 मोबाइल पटोरी थाना से जो सब इंस्पेक्टर हैं और दलसिंह सराय से 13 मोबाइल और नगर थाना से 13 मोबाइल, इन तीनों को रिवॉर्ड दिया जा रहा है और बाकी जो बेस्ट टीम है उसको भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। और हम लोग ये उम्मीद है कि जो हम लोग एक बार आकलन भी कर रहे हैं कि ज़िले में कुल कितने मोबाइल प्रति माह खोते हैं या चोरी और लूट में जाते हैं और उनका अधिक से अधिक रिकवरी करना, जितने खोए जाते हैं या जितने चोरी हो जाते हैं उनसे ज़्यादा रिकवरी करना सभी टीम को इस बारे में निर्देशित भी किया गया। और इस बार 5ों टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और इन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएँ भी दी गई हैं कि आगे से अगले महीने 8वें फेज़ में